नाद ब्रह्म, नाद सौंदर्य, ताल अंतरनाद। तबले के कई नाद लहरियों से अलग अलग रिदम के सांस पर थिरकते हुए उंगलियां। महाराष्ट्र के कोकण विभाग में समुन्दर के किनारे बसी रत्ननगरी यानी रत्नागिरी। इस रत्नागिरी के मीराबंदर गांव में मारुतिराव जी का जन्म हुआ। गांव में भजन कीर्तन भाव की नाट्य गीत बजाने में उनका बचपन गुजर रहा था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में कला का शास्त्रीय ज्ञान लेने की चाहत उन्हें मुंबई ले आई। मुंबई आने के बाद बड़े बड़े तबला नवाजों के पास तबले की शिक्षा मारुतिराव जी ने प्राप्त की। उस जमाने में स्वतंत्र तबला वादन मारुतिराव जी बखूबी से पेश करते थे। उन्हीं दिनों मशहूर संगीतकार वसंत प्रभु जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनके कई मराठी फिल्मी गीतों को मारुतिराव जी ने अपने रिदम से सजाया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के साथ उनके नाट्य गीतों में भी मारुतिराव जी ने अपने तबले की कमाल दिखाई। बर्मंदा यानी सचिन देव बर्मन जी, इन्हें मिलने के बाद मारुतिराव जी को अपनी कला और टैलेंट दिखाने का सही मौका मिला। वहीं से पंचमदा यानी आरडी बर्मन जी, इनके साथ मारुतिराव जी की दोस्ती और संगीत का एक शानदार सफर शुरू हुआ। मारुतिराव कीर यांचं नावच एवढं मोठं आहे की इंडस्ट्रीमध्ये कोणालाही विचारलं रिदम तर पहिल्या प्रथम ज्यांचं नाव येणार ते मारुतिराव की। मारुतिराव जी जब आए हैं इंडस्ट्री में और उन्होंने बर्मंदा और पंचमदा के साथ खासकर जो काम किया है और वहां पे जो उन्होंने पॉलीरिदम, जिसका मतलब है कि एक रिदम एक मीटर में जा रहा है और उसके साथ एक दूसरा रिदम आके उससे मिलता है और एक तीसरा रिदम भी आके मिलता है और वो अलग अलग रिदम है लेकिन जो मिलकर एकजुट होकर जो एक पैटर्न बनता है, जो एक रिदमिक साइकिल बनती है, जो एक ठेका बनता है, उसका जो मजा है ये हमें मारुतिराव जी ने सिखाया है। मारुति कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाता था, बोंगो तुम्बा कुछ भी, तो ऐसा ही बजा रहा था कि 100 साल से बजा रहे वो। इतना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था वो। पंक्चुअलिटी इतना था उनका कि 9 बजे का टेक होगा तो 8:45 बजे जाके स्टूडियो में बैठ जाते। वेगवेगळे रिदम करण्याची त्यांना आवड होती, प्रयोग करायचे त्याच्यामध्ये आणि त्यांचं नशीब म्हणा किंवा त्यांच्याबरोबर ते होते त्यांचं नशीब म्हणा, म्हणजे SD बर्मन RD बर्मन यांच्यावर ते सहाय्यक म्हणूनही होते, रिदम कंपोजर म्हणून होते, तर त्यांचं नशीब समजूया आपण पाहिजे तर। पण ते असा ग्रुप जमलेला होता की प्रत्येक गाण्यामध्ये काय नवीनता आणता येईल रिदममध्ये असं ते प्रयत्न करायचे आणि त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल झाले ते। भाई का तो पॅटर्न एक से एक लाजवाब और क्या क्या ऐसे ऐसे आइडियाज यूज किए वो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी तबले पे हो सकता है, थुम्बा पे ऐसा हो सकता है, तो भाई का तो दिमाग चालू ही रहता था। वसंत प्रभु, SD बर्मन और RD बर्मन के ऐसे कई गीत हैं जो सिर्फ रिदम से पहचाने जाते हैं और वो कमाल मारुतिराव जी का था। ऐसा पेशकार वाजवता वाजवता फटकर एक आवाज मोटा आला, क्या बात है, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे, अरे किसका शागिर्द है क्या? तो लोकांनी सांगले मारुतिराव का शागिर्द है, अरे मारुति भैया क्या बात है, क्या सबक शिकाय इनको, कितना थोड़ा सा बाजार है लेकिन कितना अच्छा बाजार है। बोलने से कभी कभी बोलते ऐसा ट्राई करूँ बग, ऐसा ट्राई करूँ बग, और रियली वो ऐसा रिदम के साथ मैच हो जाता था, वो उनकी खूबी थी वो। तबले के मीठे बोल, स्थिर लय का और प्रसन्न प्रफुल्लित ठेका, ये कमाल मारुतिराव जी के रिदम अरेंजमेंट और तबले का था। एक्चुअली रिदम आर्टिस्ट बोलना नहीं चाहिए, ही इज अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन, ऐसा नहीं रिदम, उनके तबले में तो मेलोडी भी थी। अब कभी सुनो इनका तबला तो ऐसा लगता है तबला गा रहे गाना। मुश्किल शब्दों के वजन तले दबा और सुरों के बेचोकन में खोया गीत कभी सिने प्रेमियों के जुबान पर नहीं चढ़ सकता। जरूरी है कि शब्दों में सहजता हो, धुन ऐसी हो कि हम बार बार उसे गुनगुना सके और रिदम का प्रभाव ऐसे हो कि हम बैठे बैठे ताल दे।
जब रिकॉर्डिंग नहीं होता था तो सुबह सिटिंग में सुबह 9 बजे बुलाते थे हम लोग को, मारुती जी सुबह 9 बजे आके बैठ जाते थे। मैं, चंद्रकांत, अमरू, ओमी, देवीचंद, हम लोग सब बैठते थे और बताते मारुती जी इसको ये बोलते ऐसा ऐसा बजाने का, ये ऐसा ये ऐसा। अब तेरा इंस्ट्रूमेंट जो है तो देख आफ्टर बीट पे बजाएगा, आफ्टर बीट ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके सिखाया, सिखा के जितना भी बजवाया मारुती जी ने जो भी किया मेरे लिए, बस अभी अभी तक वही खा रहा हूँ। ऐसा लगता था कि कुछ पंचम का ग्रुप नहीं है, पंचम की फैमिली जैसा, फैमिली मेंबर्स है ना, दोस्त लोग है, ऐसे हम लोग काम करते थे, बहुत मजा आता था ना। सुनने में बहुत आसान लगता है पर लोकप्रियता के इस गणित तक पहुंचने में किसी किसी का आधा करियर निकल जाता है, जो समझते हैं वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मारुती राव सारखा मोठा कलाकार आणि मारुती राव सारखा मोठा माणूस यांच्याकडे मला खूप शिकायला मिळाले आणि त्यांच्याबरोबर काम करायला मिळाले हे माझं खूप भाग्य आहे। आणि त्यांनी मला खूपच सांभाळून घेतले। आज मी जे काय माझी ओळख आहे ते नुसतं आर डी बर्मन आणि मारुतीराव मुळेच आहे। मैंने कभी एक दिन हमको ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं नया हूँ, एकदम न्यू कमर हूँ, कुछ नहीं। कोई इतना कोऑपरेशन, इतना अंडरस्टैंडिंग, और बाद में तो जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा रेगुलर होते गया और परमानेंट मेंबर भी हो गया पंचम के ग्रुप में, तो भाई के साथ में रिलेशन भी वैसे अच्छे हो गए। मारुती राव जी के स्वभाव में उतनी ही नम्रता और प्रसन्नता थी जितनी उनकी तबले। मैंने उनको 18 साल में कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा, हमेशा स्माइलिंग, हमेशा कोऑपरेटिव। कोई नया भी आ गया म्यूजिशियन तो उसको अच्छी तरह से प्यार से समझा के ऐसा नहीं बजाने का, ऐसा करने का। संगीतकार वसंत प्रभु जी, सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन ऐसे दिग्गज संगीतकारों के पास मारुती राव जी अंतर्नाद आत्मा बनकर रहे। मारुती रावमुळे आज ह्या घडीला मी ज्या मुक्कामाला आहे तर ते त्यांच्यामुळे झालेलं आहे। वडिलांना नोकरी नाही किंवा गरिबी आहे अशा लोकांना कुठेतरी चुकचुक वाजव रे, कुठेतरी टुंग वाजव, टिंग वाजव, काय तर 4 पैसे त्यांना मिळतील त्यांच्या कुटुंबाला, हा त्यांचा एक मोठेपणा होता। प्रत्येकाला इन्कम झालं पाहिजे, त्यांच्या घरात पैसे पोचले पाहिजे, हा एक त्यांचा मोठेपणा होता। आणि खरोखर म्हणजे याला समाजकार्यच म्हटलं पाहिजे। आणि इतकं पुण्य मिळालं आहे त्यांना त्या माणसाला म्हणजे मारुती किरणा की अनेक कुटुंब पोचली आहे त्यांनी त्यावेळी। इन संगीतकारों को और सुनने वाले श्रोताओं को मारुती राव जी के रिदम से आत्मसमाधान मिला। भाई ने जे आमच्यासारख्या मुतकुल मुलांना जो प्रोत्साहन देऊन पुढे आणलं त्याबद्दल त्याची तोड नाही आहे। आणि भाईला सजावं असं त्यांचं नाव सगळ्यांच्या मुखी राहावं ही परमेश्वराकडे प्रार्थना। आणि भाईला मी भरपूर मिस करतो, कारण त्यांनी जे इंडस्ट्रीमध्ये जे त्याग हे दिले कॉन्ट्रीब्युशन त्याला तोड नाही आहे। आज सभी संगीत प्रेम श्रोताओं की तरफ से और फिल्मी जगत के सभी कलाकारों की तरफ से इस महाअनुभवी दिग्गज रिदम अरेंजर मारुती राव जी को हम तहे दिल से हमारी आदरांजलि समर्पित करते हैं। मारुती राव जी के लिए जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि वो अपने काम के लेजेंड थे और मैं उनको जब भी याद करता हूँ एक अपने मन से उनको प्रणाम कर मन से उनको प्रणाम करता हूँ। और बस यही आशा करता हूँ कि जहाँ वो है, जहाँ भी वो है, वहाँ भी वो इसी तरह के रिदम अभी भी कर रहे हैं। हम लोग मरते दम तक उनको याद कर रहे हैं।